अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा ब्रिटिश काल में निर्मित सुला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ठाकरद्वारा में पुल का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। डेंजर जोन की श्रेणी में आने वाला ये पुल ब्लैक स्पॉट बन चुका था। इस व्यस्तम रोड पर समय समय पर लगने वाले जाम से भी जनता परेशान थी। लोक निर्माण विभाग मंडल भवारना के अधीन आने वाले पुल के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1.5 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले इस पुल को डबल लेन बनाया जाएगा और इसके दोनों ओर बने तीखे मोड़ को भी समाप्त करके पुल को सीधा प्रारूप दिया जाना विभागीय योजना है। ठेकेदार सूरज अग्रवाल ने दावा किया है कि आगामी 7 महीनों में पुल बना दिया जाएगा। सर, कोरोना बीमारी करके मंदी का दौर चला हुआ है, गाड़ियां खड़ी हैं जी हमारी जी। अब कोरोना से पहले कुछ क्रशर वालों ने स्ट्राइक की, स्ट्राइक की जी। तो उस दौरान उन्होंने हमारी गाड़ियां हमें चलाने नहीं दी जी। ठीक है, तो गाड़ियां जो गाड़ी जाए हमारी गाड़ियां वो खड़ी कर ले जी। उसके बाद एक कोरोना करके गाड़ियां खड़ी होगी। अब लगभग 3 महीने से ट्रक हमारे खड़े हैं। तो देखो जी, हमारे पास ड्राइवर ऑपरेटर है, चलाने वाला ड्राइवर है काफी जी। अब उनको भी मतलब उनकी तनख्वाह जानी है, उनके भी खर्चे हैं जी। तो वो जब गाड़ियां ही खड़ी हैं तो चलो अभी तो कर रहे हैं हम, पर किस कब तक वो उनको तनख्वाह वगैरह भी दे पाएंगे जी। क्योंकि गाड़ियां खड़ी है, कमाई कोई है नहीं जी। और ड्राइवर तो आपकी क्या मांग है सरकार से? मतलब सर, सरकार से हमारी मांग यही है जी कि थोड़ा सा चलो लॉकडाउन में छूट इन्होंने दी हुई है जी। पर दिक्कत सबसे बड़ी जो आ रही है ये कि जैसे कोई ड्राइवर हमारा चाहे असेंशियल आर्टिकल के लिए जा रहा है चाहे नॉन असेंशियल के लिए जा रहा है जी, जब गाड़ियां वापिस आ रही हैं तो वापिस आके जो ड्राइवर घर जा रहे हैं तो उनको वहां पे गांव वाले भी तंग कर रहे हैं जी। अच्छा। और जब हमारी कोई भी गाड़ी किसी भी हिमाचल के बैरियर से क्रॉस करके आती है तो उस टाइम हर एक गाड़ी हमारी सैनिटाइज की जाती है बैरियर पे जी। और हर ट्रिप में ड्राइवर का जो है मेडिकल किया जाता है जी वहाँ पे। अच्छा। उसके बावजूद जब ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है उसको ना गांव वाले उनको घर में मतलब गांव में दिक्कत दे रहे हैं लोग जी। तो अब इस करके कुछ ड्राइवर बेचारे जा भी नहीं पा रहे जी। काम की पोजीशन इस हिसाब से डे बाई डे कम हो रही है, दिक्कत आ रही है जी बहुत ज्यादा। ठीक है जी। ठीक है। कोरोना के प्रकोप चलते जहां आर्थिक मंदी का दौर है, इसी कड़ी में सुला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पालमपुर ट्रक ऑपरेटर यूनियन मरंडा के ईंट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों से बात की गई तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई। हमारी बात हमारे बीच अभी हैं यूनियन के प्रधान श्री सरदार मनजीत सिंह जी। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये जो कोरोना वायरस का जो समय गुजर रहा है ये दो महीने ढाई महीने से, उससे पहले 1 महीना पहले रेत बजरी पे क्रेशर बंद कर दी थी सरकार ने, तभी भी हम मंदी के दौर से जा रहे थे। अभी इस दौर में हमारी गाड़ियों को कोई काम नहीं है, ना तो यहाँ हिमाचल ने कोई सरकार ने कोई फैक्ट्री लगाई है जिससे कि हमारी गाड़ियों को परमानेंट काम हो। हम ईंट रेत बजरी का काम करते हैं तो जो ईंट रेत बजरी का जो काम है हम गाड़ियाँ बाहर भेज रहे हैं तो वहाँ भी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे कोई भी बंदा जो है ये माल लेने के लिए नहीं आता है, इस माल नहीं बिकने की खातर हमारी गाड़ियों को एक एक डेढ़ डेढ़ महीना हो गया यहाँ खड़ी है, जिससे कि हमारे ड्राइवरों को परेशानी। कितनी गाड़ियाँ यूनियन में? हमारी यूनियन में 70-75 गाड़ियाँ सर। तो इस वक्त इंटो से खाली गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं यूनियन? खाली गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे कम से कम 60-70 गाड़ियाँ खड़ी हैं। 60-70? हाँ जी जी। और कुछ देख रहे हैं हम कि कुछ गाड़ियां जो हैं यहाँ पर ईंटों से भरी हुई हैं। ये लॉकडाउन से पहले की भी भरी हुई है। अच्छा। और कुछ अभी भर के लाए हैं तो अभी कोई सेल नहीं बिक नहीं रही है। कोई नहीं बिक रही है, कोई बंदा नहीं आता है। 10-11 दिन हो गए गाड़ियां भरी। ठीक है। इस संबंध में हमने ईंट व्यवसाय से जुड़े रोहित गुप्ता जी से बात की। तो रोहित गुप्ता जी, आपका क्या कहना है, आपके व्यवसाय को कोरोना के चलते कितनी आर्थिक मंदी का दंश झेलना पड़ रहा है? कोरोना से जुड़ने के बाद ऐसा है भाई, इधर मरंडा में कोई काम नहीं रहा। हमारे ट्रक यूनियन के सभी गाड़ियां जो इस वक्त खड़ी हैं। ठीक है। और ईंट का काम ऐसा है, ईंट पंजाब से आ रही है, पंजाब से आने पर ड्राइवर भी अपने घर से आने में दिक्कत आ रही है। ठीक है। शाम को घर जाने की दिक्कत आ रही है जी। तो इससे अच्छा है गाड़ी वाले जो जितने भी ड्राइवर भाई हमारे वो सारे अपनी अपनी गाड़ियां घर में खड़ी कर रख रहे हैं,
समस्या तो है ही है, उनको आने की समस्या, खाने की। तो आप क्या ये निर्णय ले रहे हैं कि गाड़ियां घर ही घर में खड़ी करेंगे? बिल्कुल सर, गाड़ियां घर में खड़ी रहेंगी, इससे अच्छा काम तो है नहीं। ठीक है, जब काम नहीं है तो इससे अच्छा ये गाड़ियां घर में खड़ी रहे। ठीक है, और हमारी जो है सरकार से ये मांग है, जब से ये कोरोना वायरस चल रहा है उसी टाइम से जो हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, उन गाड़ियों का हमारा जो टोकन टैक्स है, गुड टैक्स है, उसको माफ किया जाए, और इंश्योरेंस जो है उस पीरियड की जो है हमारे को माफ की जाए, उसका पीरियड आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कारोबार तो कोई है नहीं जी। तो हमने ये टैक्स भी कहाँ से देने हैं और कहाँ से हम ये इंश्योरेंस से देंगे, तो कैसे पासिंग चलाएंगे? हमारी जो पासिंग का टाइम टूम है उसके लिए भी सरकार इसके बारे में सोचे। ठीक है, तो और हमारे लिए कोई ना कोई सरकार कोई हमारी मदद करे। ठीक है, जिससे कि हम जब ये कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाएगी तो उसके बाद जो माहौल बनेगा, कारोबार चलेगा, तो देखेंगे जो सरकार का जो निर्णय होगा उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी तो इस माहौल में बहुत ही ज्यादा परेशानी क्रिएट हो चुकी है, ड्राइवरों के लिए भी परेशानी है, कहीं खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने कहाँ जाना है? उनको जब ये घर चले जाते हैं तो उनको वहाँ गांव से लोग जो वहाँ से भगाते हैं, भाई आप गाड़ी के साथ गए थे, इसलिए हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये प्रॉपर ढंग से अब खड़ी है। 60-70 गाड़ियाँ। ठीक है, ठीक। अग्रवाल जी, हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये आपने यहाँ पर पुल का काम जो है ये शुरू कर दिया है। हाँ जी। तो ये जो था पुल, वैसे यहाँ पर काफी समस्या रहती थी। बड़ी समस्या थी, बड़े एक्सीडेंट होते थे यहाँ पे। हाँ जी, डेंजर जोन था। डेंजर जोन था, हॉट स्पॉट पे था, अपना ब्लैक स्पॉट था ये। ठीक है। हाँ जी, तो आपने ये कार्य कब शुरू किया है? ये लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले हमने काम शुरू किया था, लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया था। ठीक है, अभी परमिशन लेके हमने दोबारा से इसको काम को 2-3 दिन पहले शुरू किया है काम। तो इसके ये कितनी राशि से निर्मित होगा? ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। ठीक है, और ये हमारी कोशिश है इसको 6-7 महीने में तैयार करके दिया जाए। ठीक है। तो ये अभी जो आप क्या ये पुल का कार्य शुरू हुआ है या मतलब अभी डाइवर्शन में आ रहे हैं इसकी? ठीक है, जो इसके लिए डाइवर्शन बन जाएगी, फिर इसको पुल को जो पुराना पुल बना हुआ है इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, इसकी जगह नया पुल बनेगा और बिल्कुल सीधा रोड हो जाएगा फिर ये। ठीक है, सीधा हो जाएगा, तो फिर मतलब कोई जैसे मोड़ इसमें से खत्म कर दिए जाएंगे, 2 मोड़ है इसमें, दोनों मोड़ खत्म कर दिए जाएंगे, दोनों मोड़। अच्छा, और जाम की स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगी। ये पुल जो है वो अपना 2 डबल लेन बनेगा, अभी ये सिंगल लेन है। ठीक है जी, धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धीरा से अमर सूद की रिपोर्ट।